बता दें बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के रोहतक से। महम सीट से एचजेपी उम्मीदवार बलराज कुंडू पर हमला हुआ है। आरोप आनंद सिंह दांगी पर है जो खुद भी उम्मीदवार हैं। महम की तस्वीर आप देख रहे हैं, अफरा तफरी मची हुई है जहां पर एचजेपी के उम्मीदवार के ऊपर हमले की खबर सामने आ रही है और जिस पर आरोप लगा है वो खुद भी एक उम्मीदवार ही है। रवि त्रिपाठी इस खबर पर ज्यादा अपडेट देंगे हमारे साथ। रवि, क्या पूरी अपडेट आ रही है? महम में एचजेपी बलराज के कैंडिडेट बलराज कुंडू पर हमले की खबर आ रही है। और इस पोलिंग बूथ पर ये तस्वीर देखिए, दीपेंद्र हुड्डा, देखिए तस्वीर दिखाना चाहेंगे। वोट डाल के हुड्डा परिवार निकला है। भूपेंद्र हुड्डा आपको कैमरे के सामने दिखाई देंगे और दीपेंद्र हुड्डा और दोनों लोग वोट डाल के निकले हैं। हालांकि यहाँ बयान नहीं दे सकते हैं, शायद पुलिस उनको अलाउ नहीं करेगी, लेकिन हो सकता है कि यही बात करें क्योंकि कैमरे बहुत हैं, मीडिया के तमाम हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं और चाहते हैं कि उनका बयान मिले। उनको उनका बयान इस पर, सही खट्टर के बयान पर, बीजेपी के आरोप पर, मुख्यमंत्री कैंडिडेट को लेकर तमाम सारे सवाल मीडिया के पास हैं। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन सवालों का जवाब किस तरह से देते हैं और क्या मानते हैं वो, चूँकि चुनाव वोट डाल के आ चुके हैं। देखिए वोट डालने के बाद मुझे लगता है कि वो तस्वीर उनको दिखानी चाहिए, अपनी उंगली स्याह वाली। अब यही उम्मीद है कि खट्टर यहाँ बयान देंगे और क्या कहते हैं कि खट्टर साहब बातचीत कर रहे हैं मीडिया से। तू काम कर दे, हमें भिवानी से हमारे सहयोगी शिवांग जुड़ गए हैं। शिवांग, भिवानी में क्या दिख रहा है वोटर्स का रुझान, कितनी भीड़ है वोटिंग सेंटर्स पर? जी बिल्कुल गौरव देखिए इस वक्त हम लोग यहाँ पर भिवानी के यहाँ पर सेंटर पर हैं और आज सुबह से ही लगातार यहाँ पर स्लो वोटिंग लगातार दिखाई दे रही है। और अभी दोपहर के बाद देख लीजिए, इस वक्त हम लोग भिवानी के जो यहाँ का मुख्य शहर का सेंटर है वहाँ पर ही मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो भी वोटर्स हम लोगों को लाइन में भी जो मतलब दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 3-4 वोटर हैं जो अभी यहाँ पर लाइन में हैं। तो यही तस्वीर हम लोगों ने इससे पहले जो यहाँ पर लोकसभा चुनाव हुए थे वहाँ पर भी देखा था कि वहां पर कम वोटिंग हुई थी और यही तस्वीर मतलब हूबहू वही तस्वीर हम लोग को यहाँ पर भी दिखाई दे रही है यहाँ पर विधानसभा चुनाव के दौरान, जहां पर कम संख्या में वोटर निकल कर भिवानी के वोटिंग सेंटर की तस्वीर है। लगभग भिवानी के हर वोटिंग सेंटर में ऐसे ही बिल्कुल सुनसान दिख रहा है, सब वीरान पड़ा हुआ। जी बिल्कुल गौरव, देखिए इससे पहले भी हम लोग दर्जन भर वोटिंग सेंटर जा चुके हैं अब तक, यहाँ पर अब तक सुबह से भिवानी के, तो लगभग हर वोटिंग सेंटर की यही कहानी है। और इससे पहले जैसा कि इससे पहले भी जिक्र करा था कि लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हाल था भिवानी का, जहाँ पर भिवानी में यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज भी कम था और इसी तरह की स्थिति थी। जी।